चलो भाई शुरू करते हैं अपनी सप्ताह एक। निपुण हरियाणा का जो हमारी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका है, अभ्यास कार्य पुस्तिका है, उसमें पाठ एक करेंगे और उस वर्कबुक का नाम क्या है हमारा, क्या नाम है बताओ, बोलो शाबाश, क्या नाम है? सुगम। हिंदी की जो कार्य पुस्तिका है जिसमें हम ये अभ्यास करेंगे, इसके अंदर इसका नाम है सुगम, जो निपुण हरियाणा के तहत हम रिवाइज रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो उसका बेटे पहला पाठ है, यानी सप्ताह भी पहला है। अब उस सप्ताह एक में हमारे कुल पाठ हैं जो सप्ताह एक में करेंगे हम, वो 5 पेज हमारे, ठीक है। 4 तो पाठ है और एक उसको पढ़ने का अभ्यास है, जिसमें से ये 3 लाइनों का एक पैरा दिया गया है पढ़ने के लिए, ठीक है। वाक्य दिए गए हैं, इनको पढ़ के उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे बाद में कि क्या उसके उत्तर होंगे, इसको देख के पढ़ के आपने बताना है। तो हम सबसे पहले करेंगे सप्ताह एक का पार्ट नंबर 1 और पेज नंबर भी 1। करें शुरू, चलो। तो सबसे पहले है हमारा अभ्यास पुस्तिका का पार्ट 1 का सप्ताह 1 में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ग्रिड से वर्ण यानी अक्षर को पहचानना। ये जाल बना के दिया हुआ है आप सभी को, सभी अभ्यास पुस्तिका दिखाई दे रहा है ना, अभ्यास में सबके सामने है, वेरी गुड। तो अब देखो बेटा, ये एक जाल बनाया हुआ है, इस जाल में अक्षर और उनकी मात्रा लिखी हुई है, उनके साथ मात्राओं को लिखा हुआ है ना। तो आप सभी को अक्षरों को पढ़ना है और मात्राओं को पहचान कर उनके साथ बोलना है। तो ये बताओ, हम सिर्फ एक लाइन करेंगे उसके बाद इकट्ठा बोलेंगे, ये कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर है का, उसके बाद मात्रा कौन सी है, आ की। तो क्या बन गया ये का, ये क्या है, ठीक है, कौन सी मात्रा लगाई हुई है, बड़ी ई की, तो क्या बन गया सी, वो कहा गया। उसके बाद ये क्या है, मैं का कौन सी मात्रा है बेटे, छोटे ऊ की, तो क्या बन गया मुंह। ये क्या है, रे का कौन सी मात्रा है, ओ की, और क्या बन गया फिर ये रो, ये क्या बन गया की, ठीक है। तो इस तरह से हमें अब इनको इकट्ठा पढ़ेंगे दोनों चीजों को, अक्षर और मात्राओं को, पो नु मु जा ली, ली नी ली। अगर हम इसको लिख करेंगे ना तो ये छोटी की मात्रा की आवाज आएगी, इसमें बड़ी की मात्रा है तो उसमें हम थोड़ा लंबा बोलेंगे उसको, जैसे ये ऊपर वाला था खी, लेकिन ये है ली गी तू छा तो या सी। अभी देखो छोटी की मात्रा ना, इस पे इसको बोलेंगे हम सी, दे दू फी दे वु हु बहा ति घे। ये थे हमारा पहला अभ्यास पेज नंबर 1 का, जिसपे हमने मात्राओं के साथ अक्षरों को एक दूसरे के साथ जोड़कर पढ़ा हुआ है, यानी जो अक्षर दिए गए हैं ये इनके साथ मात्रा लगी हुई है और उन मात्राओं को हमने अक्षरों के साथ एक साथ बोलना है, ना कि अलग अलग बोलना है, समझ गए। अब इसके बाद हमारा दूसरा अभ्यास है इसी पेज पर, मिलाकर पढ़ो, क्या है मिलाकर पढ़ो, मिलाकर। अब ये हमने मिलाकर पढ़ना है,
ठीक है। इसके लिए एक चीज बना देता था, ये बताओ ये किस चीज का निशान बना दिया मैंने? जमा का, यानी जोड़ का। और जोड़ का मतलब है इन दोनों को जोड़ना, एक साथ मिलाकर पूरा शब्द बनाना। ऐसे ही इनको बनाएंगे हम, इसमें भी जमा का निशान लगा देंगे, यानी जोड़ का निशान आ जाएगा ये भी। अच्छा पहले ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है? पा। और ये क्या बन गया? पानी। वेरी गुड। ये क्या है? ती। ये ता। ये क्या बन गया पूरा? तितली। क्या बन गया? तितली। तितली, बहुत अच्छे। अब उसके बाद अगला अभ्यास है हमारा, ये देखो इसमें दिया हुआ है, अभ्यास में आपको दिखा देता हूँ। पानी, पानी, ती, ती, ताली, तितली, ठीक है। तो उसके बाद हमारा तीसरा अभ्यास है, जो हमने ऊपर मात्राओं और अक्षरों को समझा, उनको पढ़ा और उनको मिलाकर भी पढ़ा, अब हम शब्दों को उनकी मात्राओं के साथ पढ़ेंगे। अब तक अक्षर पढ़े थे हमने, अब मात्राओं के साथ शब्दों को बोलेंगे, ठीक है। यानी ऊपर जो हमने पढ़ा था ना, ये मिलाकर एक शब्द बनाया था, अब हमें इन्हीं शब्दों को इनके मात्राओं के साथ शब्दों को बोलेंगे, अब पूरा बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है? कल। शाबाश। का रेकार। ना ना। बी से। बोलो क्या बन गया? बीस। मैं बोलूंगा मात्राओं के साथ अलग करके, आप सभी ने बोलना है इकट्ठा एक साथ, ठीक है। से ब। सेब। वेरी गुड। गोला। आ तू ल। मेला। चूहा। ओटल। गीला से। ओ खली। दुकान। कविता। अलमारी। तो एक बार दोहराए इसी को, कल, काट, नाना, बीस, सेब, गोला, अतुल, मेला, चूहा, होटल, गिलास, ओखली, दुकान, कविता, अलमारी। ये हमारे मात्राओं के साथ अब शब्द थे जिनको हमने दोहराया है, ठीक है भाई। अब इनके साथ यह चीज करने के बाद हमारा आखिरी अभ्यास है इस पेज का, जिसमें इन्होंने चित्र दिए हैं और उन चित्रों को पहचान कर हमें उनका नाम लिखना है, ठीक है। तो पहला चित्र किस चीज का है? कान। इसमें अक्षर और कौन सी मात्रा है? क। मात्रा कौन सी लगी? आ की। और बाद में कौन सा शब्द आया, अक्षर आया? न। तो क्या बन गया? तो का ने। कान। ये क्या है? तराजू। क्या काम आता है ये? काम क्या आता? काम क्या काम है इसका? तोलना। किसी भी सामान को उसको तोल के उसका भार बता के, भाई 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना भी सामान है उसको तोल कर देना या फिर किसी से लेना, ठीक है। और ये क्या था? कान का काम क्या होता है? सुनना। बहुत अच्छे। तो इसको कहाँ से शुरू करें? तय। उसके बाद नहीं। मात्रा के साथ बोलना है, मात्रा के साथ नहीं। मात्रा कहाँ है? तर में।
हाँ तो देखो आ किसके साथ लगेगी? हाँ तो बोलो मात्रा के साथ बोलो उसे। रा आगे, तरा आगे क्या बच गया? आगे आ उ ठीक है, तराजू तराजू ये क्या है? क्या लिखूं? बो शाबाश, बो के बाद आ ले क्या बन गया? ये क्या है? क्या लिखूं? देखो छह को ध्यान से लिखना बेटा, ये गलती मत करना कहीं, तुम ये लिखो ऐसे नहीं लिखना, ये धैकी पहचान होती है। तो छह के लिए हम सीधा ये उल्टा तीन का बना दिया ना, उल्टा तीन, और इसको ऐसे कर दो ठीक है, नीचे घुमा दो, ये छा और छा के बाद ता क्या बन गया? छाता। बहुत अच्छे, चलो एक बार दोहराए इसको पूरे पाठ को, अब पूरे पाठ को दोहराते हैं ठीक है। अक्षर पहचानने हैं मात्राओं के साथ, का सी वो रो ची पो मू बू जा ली दी तू छा जो चो चो या सी दे दू ही दे वू हू भा ती ती गे। अब उसके बाद मिलाकर पढ़ेंगे, पानी पानी ती तैली तितली कल कार नाना बीस सेठ बोला अतुल मेला चूहा होटल गिलास ओखली दुकान कविता अलमारी। अब ये पिक्चर को पढ़ेंगे हम, कान तराजू बोतल छाता। ये हमारा आज का सप्ताह एक का पाठ एक था जिसकी दोहराई की है। ये वीडियो बेटे आपको YouTube पे ही मिल जाएगी, उस पर दोहराई कर लेना, जो अभी नहीं आए वो बता देना आज, वो उस पर कर सकते हैं देख के, पता ही है YouTube पे, तो है ना सीधा बोल के सर्च करना है, लिख के करना है तो सरकारी स्कूल, हाँ सरकारी स्कूल जैनपुर ठीक है, इस पे सभी को इस पे वीडियो को चलाना है और इसको देख लेना है ठीक है। इसमें सर वैसे तो वीडियो तुम्हें दिख जाएगी, ये और पूरा लिखना है तो ये लिख देना, सरकारी स्कूल जैनपुर सोनीपत पाठ एक सप्ताह एक निपुण ठीक है। ये भी बोल देना बेटा तो भी आ जाएगा, जो भी बोल दोगे उसमें आ जाएगी ये वीडियो हमारी, जो आज हमने किया है काम ये सभी को मिल जाएगा। कल हम दूसरा डायरी का दूसरा पाठ करेंगे, सप्ताह एक ही है हमारा, उस सप्ताह में हमने चार पाठ करने हैं और फिर उसके बाद एक पढ़ने का एक पैरा है उसको हमें पढ़ेंगे, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे ठीक है।